सनातन को ख़त्म करने की साजिश, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश, लेकिन ये इंटरनेशनल साजिश है और जिसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनके सुपुत्र हैं प्रियांक खड़गे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कर्नाटक। वो कहते हैं सनातन इज ए डर्टी वर्ड, सनातन एक गंदा शब्द है। पहले तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि ये किया किसने है, इसके पीछे कौन कौन है, उस समय सरकार किसकी थी, कौन कौन अधिकारी शामिल है, कौन कौन नेता शामिल है। ये भयानक पाप है, बहुत बड़ा पाप है और मुझे लगता है इसका प्रायश्चित सदियों तक नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो देश के बाहर जा कर के देश को बदनाम करते हैं, देश को नंगा करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जनता के दिलों पर राज करने वाला कोई सम्राट अगर है तो सम्राट विक्रमादित्य के बाद वो नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है, ये हमारे साथ धोखा है। सनातन को ख़त्म करने की साजिश, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश, सनातन को मिटाने की साजिश, ये सदियों से हुई है, सदियों से होती आ रही है, लेकिन ये इंटरनेशनल साजिश है और जिसमें भारत के कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हैं, भारत के कुछ राजनेता भी शामिल हैं जो सनातन को मिटाना चाहते हैं। खुलेआम सनातन को मिटाने की घोषणाएं की जाती हैं, खुलेआम सनातन को गालियां दी जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनके सुपुत्र हैं प्रियांक खड़गे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं कर्नाटक। वो कहते हैं सनातन इज ए डर्टी वर्ड, सनातन एक गंदा शब्द है। तमिलनाडु के अंदर डीएमके के नेता सारे कहते हैं कि सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कीड़ा मकोड़ा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी सनातन को मिटाने वालों के साथ खड़ी है। तो सनातन को मिटाने की एक साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये इंटरनेशनल साजिश है क्योंकि विदेशी ताकतें ये चाहती हैं कि भारत कमज़ोर हो और उन्हें लगता है कि भारत तब तक कमज़ोर नहीं हो सकता है जब तक सनातन शक्तिशाली है। इसलिए पहले सनातन को मिटाना चाहिए। जो काम हजारों वर्ष पूर्व मुगलों ने, अफगानों ने किया था, बाबर ने, चंगेज़ खान ने, तैमूर लंग ने, महमूद गजनवी ने किया था, वो औरंगज़ेब ने किया था, वही काम अब फिर सनातन को मिटाने का, वही काम सनातन को कमज़ोर करने का, वही पाप भारत की धरती पे हो रहा है। मैं इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो सनातन को गाली देने वाले हैं, जैसे कांग्रेसियों ने काफ़ी अपमानजनक टिप्पणियाँ की थी सनातन पर, वो इस साजिश में शामिल हैं? मैं नहीं कहना चाहता कुछ। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप बताइए ना, जितने लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं, जो सनातन को बर्बाद करना चाहते हैं, जो सनातन को भ्रष्ट करना चाहते हैं, जो सनातन को गाली देते हैं, उनके साथ कौन खड़ा है? सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। तो अब वक्त आ गया है कि सनातन से संबंधित तमाम मठ मंदिरों के संचालन सनातनियों को सौंप देने चाहिए। इस तरह के घिनौने कृत्य करने वालों के लिए आप क्या सलाह देंगे? पहले तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि ये किया किसने है, इसके पीछे कौन कौन है, उस समय सरकार किसकी थी, कौन कौन अधिकारी शामिल है, कौन कौन नेता शामिल है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई भूल नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये भयानक पाप है, बहुत बड़ा पाप है और मुझे लगता है इसका प्रायश्चित सदियों तक नहीं किया जा सकता है। ये हमारी पीठ में छुरा भोंकने जैसा है।
भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हाई लेवल कमेटी का गठन करके इसका पर्दाफाश किया जाए। सर, राहुल गांधी लौट आए हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका में जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेकर बीजेपी ने झूठ फैलाया है। सबसे बड़ा झूठ यही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी रोज झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं से झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी देश की जनता से झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी देश की महिलाओं से झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी देश के किसानों से झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी देश के शोषित वंचित और पीड़ित दलितों से झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे विपक्ष के नेता हैं। वो जो देश के बाहर जाकर के देश को नंगा करने का काम करते हैं, इस देश में ओवैसी भी अगर देश के बाहर जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, जिनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ओवैसी भी देश के बाहर जाकर के देश की बदनामी नहीं करते, देश के खिलाफ नहीं बोलते। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो देश के बाहर जाकर के देश को बदनाम करते हैं, देश को नंगा करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, आतिशी ने शपथ ली, इस तरह से देखते हैं चुनाव भी 4 महीने 6 महीने में है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैं बधाई देता हूँ, उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि जल्दी अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। अब ये उनका भाव है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है अरविंद जी अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक अकेले नेता हैं, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर देश में दो दो राज्यों में सरकार बनाई है, बाकी पूरे विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जिनकी पार्टी की दो राज्यों में सरकार बनी हो। अरविंद जी इज ओनली लीडर, ओनली पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री जिन्होंने अपने दम पर देश में दो राज्यों में सरकार बनाई है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो अब अगला टारगेट या निशाना है वो राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनना है। ऐसा संभव है, आप मानते हैं? देश की जनता फैसला करेगी, लेकिन अरविंद जी के फैसले से ऐसा लगता है कि जैसे वो देश के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। सही मायनों में आप क्या मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये हो सकता है देश के हित में? मुझे लगता है अभी 2029 में फिर चौथी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि मुझे अगर भ्रष्टाचार करना होता तो मैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर नहीं आता, वहाँ करोड़ों कमा लेता। ये जो आरोप उन पर लगे हैं और जो जेल इनके नेताओं को भेजा, ये प्रधानमंत्री की साजिश है? नहीं, प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करते हैं, और मुझे इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि वो केजरीवाल जी के प्रति पूरा न्याय करेगी। सर, प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जो वहाँ इंडियन बसते हैं काफ़ी स्वागत भी हो रहा है, पर किस तरह से आप देखते हैं भारत को इससे कितना लाभ होगा? देखिए, हमने इतिहास में सम्राट चंद्रगुप्त का नाम सुना है, सम्राट विक्रमादित्य का नाम सुना है, सम्राट अशोक का नाम सुना है, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित करने का काम किया। सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, ये सब महान राजा हुए हैं, लेकिन जनतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा जो जनता के दिलों पर राज करने वाला कोई सम्राट अगर है तो सम्राट विक्रमादित्य के बाद वो नरेंद्र मोदी हैं।